हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब मे के बारे में, बहुत डिटेल में। जनरली मे से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, उस पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप आखिर तक गौर से देखते रहें। और इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए, आज का टॉपिक है मॉडल फॉर मे, जिसकी हिंदी सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताता है। इसको देखते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ये इस्तेमाल किया जाता है क्या दर्शाने के लिए? पॉसिबिलिटी, संभावना, या परमिशन, अनुमति, इजाज़त, या विश, इच्छा, ख्वाहिश, या पर्पस, उद्देश्य या मकसद को बताने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब इसकी चर्चा वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत गौर से सुनते रहे आप। सबसे पहले पॉसिबिलिटी, संभावना यानी इम्कान के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मे, वी वन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, शी मे बी एट होम दिस टाइम, वो इस वक्त घर पर हो सकती है। इससे क्या हो रहा है, संभावना, एक पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, हम श्योर नहीं है, तब ये बोलेंगे। रूल से मिला लें, शी सब्जेक्ट हो गया, मे ये बी वर्ब हो गया, एट होम दिस टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश या वर्षा हो सकती है, ये भी संभावना बता रहा है, हम श्योर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही मे स्टैंड फर्स्ट एट द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में, परीक्षा में प्रथम आ सकता है। ये कहने का यह मतलब है कि हम श्योर नहीं है, हो सकता है फर्स्ट ना भी आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये एक पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता हुआ सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे मे कम इन मे, यहाँ ये इसलिए बताया गया है कि ये मे तो मॉडल वर्ब हो गया, इंग्लिश में मे एक मंथ का नाम है, इसे मई बोलते हैं हिंदी में, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वे लोग मे में आ सकते हैं। तो पता चला कि मे नाउन भी है, मंथ का नाम, और मे मॉडल वर्ब भी है। कुछ नेक्स्ट देखें एग्जांपल, पर्पस, उद्देश्य या मकसद को शो करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, और तब हम हिंदी में ताकि का यूज़ करते हैं, और उस ताकि की इंग्लिश हो जाएगी सो दैट। अब ध्यान ये दें, सो दैट के बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा, सो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, मे आएगा, वी वन और ऑब्जेक्ट, और सो दैट के पहले का जो सेंटेंस होगा, जो क्लॉज होगा, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, वी कम हियर, हम लोग यहाँ आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सो दैट, ताकि वी में लर्न इंग्लिश, ताकि हम लोग अंग्रेजी सीख सकें। अब ध्यान ये दें, वी कम हियर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, टेंस हमने पढ़ा है, उसका वीडियो अपलोड किया गया, उसे आप जरूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दैट के बाद वी आ गया सब्जेक्ट, मे मॉडल वर्ब, लर्न वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, आई लेबर हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सो दैट, ताकि आई में सक्सीड, ताकि मैं सफल हो जाऊँ, कामयाब हो जाऊँ। कुछ एग्जांपल और देखें, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश सो दैट शी मे बी अ डॉक्टर, वो इंग्लिश सीख रही है ताकि वो डॉक्टर बन सके। इस तरीके से सो दैट के एग्जांपल एक और देखते हैं, ही इज़ गेटिंग हायर एजुकेशन, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, आला तालीम हासिल कर रहा है, सो दैट, ताकि ही मे गेट अ गुड जॉब, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। इस तरीके से सो दैट का यूज़ जो है उद्देश्य, पर्पस को बताने के लिए भी किया जाता है, और तब हम मे का यूज़ करते हैं। कभी कभी मे का यूज़ विश, इच्छा, ख्वाहिश को बताने के लिए भी किया जाता है, तब उसका रूल क्या हो जाएगा, मे सब्जेक्ट, वी वन ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क। ध्यान दें, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे हम ना दें और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क देना ज़रूरी है, ताकि विश, इच्छा या ख्वाहिश का पता चले। एग्जांपल देखते हैं, मे अल्लाह कीप अस यूनाइटेड, अल्लाह हमें जो है एकजुट रखें, मुत्तहिद रखें। एक एग्जांपल और देखें, मे यू पास एट द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। इससे क्या है, हम विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, मे ही विन द मैच, वो मैच जीत जाए। और कभी कभी ख्वाहिश ख़राब भी होती है, तब हम कर्स यानी बद्दुआ देते हैं किसी को, वो भी विश ही हुआ, ख़राब विश हुआ, तो भी हम बोलेंगे मे ही लूज द मैच, वो मैच हार जाए। अब देखें, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है तो ये विश को इंडिकेट करता है, अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो ये परमिशन इंडिकेट करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, देखिए मे आया, आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सीट वर्ब, लूज वर्ब, हियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे द मैच ऑब्जेक्ट, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। फर्क क्या है, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये परमिशन इंडिकेट करेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो विश को इंडिकेट करेगा। इस पॉइंट पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हुआ था, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं परमिशन से रिलेटेड, देखें मे आई कम इन सर,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय? कुछ एग्जाम्पल और देखें, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? या मे आई एडवाइज यू, क्या मैं आपको सलाह या मशवरा दे सकता हूँ? इस सारे एग्जाम्पल से परमिशन के बारे में पता चलता है। कभी कभी हम परमिशन देने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। जैसे देखें, रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में वी वन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, यू मे कम टुमारो, आप कल आ सकते हैं। रूल देखें, यू सब्जेक्ट हो गया, मे मॉडल वर्ब, कम वी वन, टुमारो ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और देते हैं, यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस, तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो। इस तरह से मुझे लगता है मे के बारे में आप अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ, और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच वाइडली शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।